क्या बात, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। टेंशन नहीं लेना, अभी बता रहा हूँ क्या करना है। एक मेज की व्यवस्था कर लेनी है, कुर्सी की व्यवस्था कर लेनी है, कमरे में रख लो चुपचाप, एक होम थिएटर रख लो, ठीक है। 20 मिनट तक दबा के पढ़े, खूब मन उब गया, गए होम थिएटर बजाया और खूब डांस किया, खूब गाना सुना। गाना सुनने के लिए आप खूब हाई बीम म्यूजिकल जो गाने होते हैं उनको लगाइए, जैसे कि बादशाह हैं, हनी सिंह हैं, इनके गाने लगाइए, MC स्टैन है, इसके गाने लगाए, खूब जबरदस्त, खूब तेज डांस किया, ठीक है, खूब मजे लिए। और उसके बाद वापस 15-20 मिनट ये सब किया, उसके बाद फिर आ गए, फिर से पढ़ने लगे, खूब पढ़ा। 15-15-20 मिनट तो आप पढ़ ही सकते हो ना, 20 मिनट दबा के आपने पढ़ा। और उसके बाद क्या किया, फिर मन उब गया, फिर गए, फिर से क्या किया, लगा दिया गाना कोई बढ़िया सा, बादशाह का पानी पानी वाला, और फिर डांस करने लगे जम के उसके साथ में। खूब मन कहे सुनो, मन कहे टहलो, मन कहे डांस करो, ये सब खूब किया 15-20 मिनट। उसके बाद फिर आ गए वापस से, फिर से पढ़ने लगे। जो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या मैथ सम्स लगाने हैं, वो आपने 15-20 मिनट लगाया, फिर से मन उब गया, और अब गाना सुनने का भी मन नहीं है। तो क्या किया, बाहर आ गए, बाहर बालकनी में थोड़ा टहलने लगे, थोड़ा गाना गाया, इधर उधर मटर गस्ती किया, खिड़की में झांका, थोड़ा सा मटर गस्ती किया, इधर उधर देखा, उसके बाद फिर से वापस आ गए। 15-20 मिनट करना है, इससे ज्यादा नहीं, 20 मिनट से ज्यादा ऐसा नहीं करना है, 20 मिनट ऐसे ही इंजॉय करिए। वापस आ गए, फिर से पढ़ने लगे, उसके बाद पढ़े 20 मिनट दबा के, अपना काम किया अच्छे से, उसके बाद फिर मन उब गया, उठे, अब गाना भी सुनने का मन नहीं है, बाहर टहलने का भी मन नहीं है। किचन में गए, किचन में दाल चावल लिया, जो भी खाना बना हुआ है थोड़ा लिया, एक कटोरी में मिलाया, उसको खा लिया, खा लिया, उसके बाद पानी वानी पिया, फिर से आ गए, उसके बाद फिर से बैठ गए, फिर पढ़े दबा के 20 मिनट। जो भी आपका लर्निंग वर्क है वो आपने किया है, जो भी मैथ सॉल्विंग का है, रीजनिंग सॉल्विंग का है, उसको किया, उसके बाद फिर 15-20 मिनट 20 मिनट तक लगातार पढ़े, फिर उठे, फिर गए बालकनी में, थोड़ा टहल लिया इधर उधर, नहीं बालकनी मूड है, घर के बाहर निकल गए, जो भी स्ट्रीट है आपकी उसमें आप 50 मीटर तक 3-4 राउंड लगाइए, घड़ी रखिए हाथ में, घड़ी में देखा 20 मिनट हो गया है, वापस आ गए, फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं लगातार, इस तरीके से आप पूरे दिन पढ़ाई कर सकते हैं, 24 के 2400 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर इस प्रोसेस से आप पढ़ेंगे तो 24 में से आप 12 घंटे पढ़ेंगे और 12 घंटे आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है वो 20-20 मिनट का अल्टरनेट टाइम बताया है पढ़ने का। 20 मिनट पढ़ा, 20 मिनट एंजॉय किया, फिर 20 मिनट पढ़ा, फिर 20 मिनट एंजॉय किया, फिर 20 मिनट पढ़ा, फिर 20 मिनट एंजॉय किया, ठीक है। तो हम पढ़ भी बराबर बराबर रहे, एंजॉय भी बराबर बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो 24 में से क्या हुआ, 24 में से 12 घंटे आपने पढ़ाई की और 12 घंटे आपने क्या किया, एंजॉय किया। तो इस तरीके से आप 12 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, आपका जो ओवरऑल नेट निकलेगा वो 12 घंटे निकलेगा, आपका मन भी नहीं उबेगा और आप खूब मजे से पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप स्टार्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं कि अगर यार बहुत मोटी मोटी बुक होती है, इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे जो है गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया जाए। तो जैसे कि आपकी बुक में मान लीजिए 1000 पेज हैं, तो उसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे कि 1000 पेज है उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज में आपका मान लीजिए 10 पेज आया, ठीक है, या 15 पेज आया, तो आप 10-15 पेज करके पढ़ाई करिए, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए आपकी 4 बुक है मोटी मोटी, और आपको साल भर आपने टारगेट रखा है कि 6 महीने में इन 4 बुकों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, उन 4 बुकों से 5-5 पेज जो हैं, 5 पेज इस बुक से पढ़ लिए, 5 इस पेज से, 5 इस पेज से, 5 इस पेज से, एक दिन आपने पढ़ा, ठीक है, दूसरे दिन फिर यही आपने प्रोसेस किया, 5 इस पेज इस बुक से, 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे पढ़ लिया, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा टाइम निकाला, जो भी आपकी 20-20 मिनट की शिफ्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि जो भी आपने कल पढ़ा था उसको क्या किया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर वही प्रोसेस अगले दिन, अब आपने पीछे 2 दिन के जो 20 पेज पढ़े थे उनको रिवाइज करना, तो 20 एक दिन का और एक दिन का 20 दुना 40 पेज, और आज आपको 20 पेज पढ़ना है, तो आज आपने क्या किया, 20 पेज पढ़ा, और जो पीछे के 40 पेज थे वो क्या किया, जो 20-20 मिनट के आपने शिफ्ट बनाए उसमें से 2-3 शिफ्ट जो है वो आपने जो है रिवीजन करने के दे दिए, तो आपने क्या किया, जल्दी जल्दी सारा रीड कर लिया। रीड करने के बाद एक दिन, जैसे कि 3 दिन इस प्रोसेस से लगातार आप पढ़े, उसके बाद आपने जितना भी पीछे 2-3 दिनों में पढ़ा है उसको क्या करना है, एक दिन हफ्ते में, जैसे आपने मंडे ट्यूजडे
थर्सडे खूब पढ़ाई की, ठीक है, उस मंडे ट्यूजडे वेंसडे आपने खूब पढ़ाई की, ठीक है, थर्सडे को क्या किया आपने टेस्टिंग का रख दिया कि 20 मिनट जो मैं एक पेज का टेस्ट आपने, दो पेज का टेस्ट आपने 20 मिनट में दे दिया। फिर उसके बाद अगला 20 मिनट है उसमें भी आपने क्या किया उसका टेस्ट दे दिया जो कल पढ़ा था, ठीक है, फिर जो परसों पढ़ा था उसका जो है 20 मिनट में टेस्ट दिया, ठीक है। तो ऐसे जो जो भी आपने पढ़ा था उसका जो 20-20 मिनट की जो आपने शिफ्ट बना रखी है उसमें उसको लिख लिख के देख लीजिए, जितना भी पढ़िए उसे लिख के देख लीजिए। आप डेली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने 20 मिनट तक खूब पढ़ा, मन उब गया, होम थिएटर बजाया, गाने सुने, डांस वांस किया, उसके बाद वापस आ गए 20 मिनट के बाद, आपने जितना पिछली शिफ्ट में पढ़ा था उसको तुरंत क्या किया उसको लिख डाला सब। अगर लिखने में आप भूल रहे हैं आपने फिर से पढ़ लिया उसको, फिर लिख लिया, फिर से पढ़ लिया, फिर लिख लिया।